आज हम क्लास 11 का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बेसिकली काइनेमेटिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हुआ मोशन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि मोशन से क्या मतलब है। मोशन जितना आसान टॉपिक हमको दिखाई देता है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही है, मोशन में है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक फिजिक्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर एक लड़का लेट से ए मान लें, वो ग्राउंड पे खड़े हो करके झूले में किसी बच्चे को देख रहा है, झूला चल रहा है, बच्चे को देख रहा है, उस बच्चे को बी मान लें और ए से पूछा जाए क्या बी मोशन में है, तो ए बोलेगा यस ही इज इन मोशन। वहीं पर अगर एक और लड़का लेट से सी, वो उसी के साथ उसी टोकरी में बैठकर झूला झूल रहा है, तो अगर सी से पूछा जाए क्या बी मोशन में है, तो सी बोलेगा कि नहीं, बी तो हिल ही नहीं रहा है, बी मेरे अकॉर्डिंग रेस्ट में है। अब ध्यान दो बेटा कि मज़ेदार बात क्या है कि बी मतलब एक ही पर हम बात करें, एक ही बॉय है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पर ए देख रहा है तो कह रहा है मोशन में, सी देख रहा है तो वो कह रहा है रेस्ट में है। ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन एक ही पर्टिकुलर आदमी के बारे में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये मोशन का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। ठीक, इसको समझने के लिए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। बेसिकली क्या है कि आप अगर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। मतलब जो बच्चा ग्राउंड में है उसकी पोजीशन और जो बच्चा उस झूले के अंदर बैठा हुआ है, दोनों की पोजीशन में अंतर है। एक बच्चा रेस्ट में है, एक बच्चा मोशन का पार्ट है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उनका रेफरेंस पॉइंट जो है, उनका जो प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग है और उस प्लेटफॉर्म को हम बेसिकली बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई बस जा रही है, आप सड़क पे खड़े होकर बस के अंदर लोगों को देखेंगे तो आपको वो लोग मोशन में दिखाई देंगे, पर अगर आप बस के अंदर बैठे हैं तो अगल बगल के लोग जो बस के अंदर हैं वो आपके लिए रेस्ट पर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो चुका है। तो मोशन डिपेंड करता है कि हम कहाँ से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर मैं स्टिल खड़ी हूँ अपनी जगह पर, तो आप कहेंगे कि मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर मैं पृथ्वी से बाहर कोई, अगर पृथ्वी से बाहर कोई जा करके हमें ऑब्जर्व करे तो वो कहेगा कि अंदर पृथ्वी के जितने भी लोग हैं वो सब किस में, मोशन में हैं। ठीक, तो क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो गया। आप क्योंकि पृथ्वी के अंदर हैं इसलिए मैं आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हूँ, पर जो पृथ्वी के बाहर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो गया, वो हमको मोशन में पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली बेटा दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये या तो रेस्ट होता है जैसे ग्राउंड की हमने बात की, या तो ये यूनिफॉर्म मोशन में होता है। और यूनिफॉर्म मोशन का मेरा मतलब क्या, सर्कुलर मोशन नहीं बल्कि यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब अगर कोई कार किसी रोड पे चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन, अगर उस कार की स्पीड लगातार कांस्टेंट है तो। ठीक, इस यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हम अनएक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, अनएक्सीलरेटेड। तो चाहे आप रेस्ट पर हो या आप किसी ऐसे कार में बैठे हो जो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं।
सेम ऐसे ही नॉन इनर्शियल जस्ट इसका ऑपोजिट, मतलब ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, दिस इज अ एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटेड का मतलब है जहाँ पर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, जैसे आप एक एरोप्लेन के अंदर बैठे हो, या तो वो टेक ऑफ कर रहा हो, ठीक है, या तो वो टेक ऑफ कर रहा हो या तो वो लैंड कर रहा हो, दोनों के समय उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा। अगर वहाँ से आप किसी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका रेफरेंस, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो ये था मोशन किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, क्या क्या पोजिशंस, क्या क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं इसके कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर। मोशन जो है बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। आप जो इस बार पढ़ोगे, जो आपका चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब है वन डायमेंशनल। डायमेंशन से हमारा मतलब है कि देर आर थ्री डायमेंशन, एक्स, वाई और जेड, ठीक है, तीन डायमेंशन है। अगर बॉडी वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रही है, तो अगर ये कार है, या तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, या तो वाई डायरेक्शन में, या तो जेड डायरेक्शन में, इसको हम दूसरा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक है बेसिकली ये वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल क्या हो गया, कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक डायमेंशन है। ठीक, टू डायमेंशन की बात करें, ये नेक्स्ट चैप्टर पे आओगे आप, मोशन इन अ प्लेन, वो आपका टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल का मतलब हो गया कि जो बॉडी है वो एक्स वाई प्लेन में या तो मूव करेगी, एक्स वाई प्लेन में, या तो आप मान लीजिए एक्स जेड प्लेन में मूव कर रही है, तो वाई जेड प्लेन में मूव कर रही है। जैसे एग्जांपल अगर बहुत आसान सा लें, अगर कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर छोड़ दिया जाए, तो भाई वो कैसे मूव करे, या तो इधर ऐसे ही तो जाएगा, ठीक है, ऐसे तो आएगा नहीं, क्रॉल कर रहा है, उड़ नहीं रहा है। तो वो जो कीड़ा है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया, या तो ये वाला डायमेंशन हुआ एक्स डायमेंशन, या तो ये वाला डायमेंशन हुआ वाई डायमेंशन। तो इसको क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन, वो खाली टू डायमेंशन में मूव करेगा। थर्ड डायमेंशन में आ जाओ, ठीक है, थर्ड डायमेंशन में हम बात करते हैं, अगर वही कीड़ा है वो ओड़ा है, ठीक है, अब वो क्रॉल नहीं कर रहा है, वो ओड़ा है, तो बेटा क्या आ गया इसमें, इसमें जेड एक्सिस भी आ गया, वो यहाँ आ गया ना जेड एक्सिस, मतलब ऐसे तो जाएगा ही, ऊपर भी जाएगा, प्लस ऐसे भी जा सकता है। तो वो आपका हो गया थर्ड डायमेंशन, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों इंक्लूड हो। अब ये दोनों तो छोड़ दो फिलहाल के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डायमेंशन की, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट विथ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी क्विक रिवीजन कराऊंगी। डिस्टेंस बच्चों क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस माने क्या होता है, टोटल पाथ ट्रैवल्ड, मतलब पूरा जितना रास्ता आपने ट्रैवल किया वो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भाई दो फॉर्मूले बन जाते हैं, एक तो जो मुझे बहुत आसान लगता है वो है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड, मतलब सबसे छोटा जो रास्ता लिया जाए बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर एक और इसकी डेफिनेशन बन जाती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भाई जो अच्छा लगे इसको लगा करके भी आप ट्राई और टेस्ट कर लीजिए। चलो देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। अगर कोई लड़का है, ठीक है, वो यहाँ से सर्कुलर पाथ में इस तरीके से दौड़ रहा है, जॉगिंग कर रहा है, और इसका रेडियस सर्कुलर पाथ जॉगिंग ट्रैक जो है इसका रेडियस हम मान लें 1 किलोमीटर। ठीक, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये लड़का यहाँ से चला और वापस यहीं पर आ गया दौड़ करके, ठीक, तो इसका टोटल डिस्टेंस बताइए। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया, तो मतलब क्या हो गया, 2πr हो गया, तो 2 × 3.14 × r हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा भाई, ये 2.6.28 किलोमीटर, इतना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल, भाई बहुत ज़्यादा हो गया। खैर चलो,
अब हम आते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, अभी मैंने जस्ट बात किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट माने क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ए पर पार्टिकल था, घूम करके वापस वहीं आ गया, दोनों की पोजीशन के बीच का डिफरेंस, भाई वहीं वापस आ गया तो कितना हो गया, जीरो। आंसर कितना आया, जीरो। तो आसान था, ठीक। अब एक और सवाल देख लेते हैं। ये लड़का यही वही जॉगिंग ट्रैक है, ठीक है, ये जॉगिंग ट्रैक है, ये 1 किलोमीटर का है। अब ये जो लड़का है, इस पर ध्यान दो, ये इतना डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा है, ये आधा ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब यहाँ से दौड़ा और ये आधा, बिल्कुल आधा डिस्टेंस यहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ पर था ये लड़का, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ, अब टोटल डिस्टेंस बताओ, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा सर्कमफ्रेंस तो कवर नहीं किया, आधा सर्कमफ्रेंस कवर किया, तो क्या हो जाएगा, 2πr/2 हो जाएगा, मतलब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3.14 किलोमीटर हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं भाई डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, दोनों को माइनस कर दो। तो आप कहेंगे पोजीशन कहाँ से लाएं, तो मतलब भाई आप शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल लो, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द पार्ट ट्रेवल्ड। ये दो रास्ते हैं, पहला यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच गया, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, ये वाली लाइन होगी। तो कुल मिलाकर ये वाली लाइन आप पता कर लें तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये वाली लाइन ध्यान से देखो, सर्कल का क्या है, डायमीटर। तो इस कंडीशन में आंसर 2r हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर, ठीक। तो होपफुली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी की तरफ। तो सेकंड पार्ट है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो भाई ये भी आपने पढ़ा है, फटाफट बताइए, स्पीड माने स्केलर, वेलोसिटी माने वेक्टर, स्पीड आपको पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन टाइम टेकन। ये आपका हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी की बात करें बच्चों तो ये 2-3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। सबसे पहली जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से हमारा मतलब ये है, कोई लड़का है वो T1 टाइम में S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर आगे बढ़ा तो T2 टाइम में S2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो एवरेज वेलोसिटी को V बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हो जाता है S2 - S1 अपॉन कितना टाइम इंटरवल है, T2 - T1, ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। बी पार्ट में आ जाओ, बी पार्ट होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा कि नाम बता रहा है, इंस्टेंटेनियस माने एकदम इंस्टेंट, तुरंत तुरंत, तो तुरंत माने क्या हुआ, ये जो गैप है ना T1 और T2 के बीच का गैप नहीं होने चाहिए। मतलब अगर बोला गया कि 5 बजे बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो 5 बजे माने हो गए इंस्टेंटेनियस, तुरंत वाला काम, तो उस कंडीशन में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, 4 से 5 बजे के बीच में बताओ क्या वेलोसिटी हो गई, वो आ गई एवरेज वेलोसिटी। पर अगर एग्जैक्ट टाइम बोल दिया जाए तो इंस्टेंटेनियस, तो जो गैप वाला पार्ट है, डेल्टा टी वाला पार्ट है, वो गायब हो जाएगा। कैसे गायब करोगे, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, S2 - S1 को हम डेल्टा एस लिख सकते हैं, T2 - T1 को हम डेल्टा टी लिख सकते हैं। और मैंने कहा इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा टी गायब होना चाहिए, तो यहाँ पर मैथ्स का एक फंक्शन लगा देंगे, Δt → 0। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट Δt → 0, मतलब डेल्टी की वैल्यू इतनी छोटी है कि वो 0 को टेंड करती है, मतलब 0 के आसपास फॉल करती है, जैसे 0.01, 0.001, ये Δt → 0 में आ जाता है। तो बेटा ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम ऐसे ही हम आते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपको पता ही है क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। ये आपको पता है कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मोशन के बारे में, पढ़ चुके हैं आप क्लास 9th में, ये तो एक क्विक रिवीजन था। इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स। चलिए कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बड़े बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये कहता है कि एक ए से कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ठीक, और उसने जो स्पीड मेंटेन की है वो है आपकी 40 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जब वो बी टू ए वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, मतलब 60 मीटर पर सेकेंड। भाई घर आने की जल्दी हो सकती है, उसकी वजह से स्पीड बढ़ा दी उसने। ठीक, अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड और आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखो ए से बी जा रहा है, डिस्टेंस हमको पता नहीं है, एक्स मान लो। ठीक, बी से ई आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x हो गया। अब टोटल टाइम टेकन, जब वो ए से बी जा रहा था तो उसको समय लग रहा था, लेट से t1, कितना समय लग रहा था, डिस्टेंस क्या था x, स्पीड क्या थी 40। जब वो वापस आ रहा था तो लेट अस से टाइम हो गया t2, कितना लगा x और स्पीड कितनी होगी 60। तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2, मतलब x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60। एलसीएम ले लीजिए, देखिए x और x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा 48 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आसान था। सेकेंड पार्ट में आ जाओ, सेकेंड पार्ट है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बेटा फिर से वही कहानी आ गई, अगर कोई अपने घर वापस आ जाता है, मतलब गया वापस आ गया, तो उस कंडीशन में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो मिलेगी। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया बेसिक्स, इसको सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। तो बेटा जो सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारा, वो आपको इक्वेशन दे रखी है अंडर रूट एक्स प्लस 3। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट माने आपको निकालना है एक्स की वैल्यू, और आपको बोला गया है कि वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए थोड़ा मैथ्स ज़्यादा लगेगा इसमें। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फॉर्मूला भी हमको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ही चाहिए, मतलब टी माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो एक्स क्या मिलेगा, टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमको वेलोसिटी ज़ीरो करनी है, पर यहाँ पर तो कोई वेलोसिटी है नहीं। ठीक, उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूले पर वापस आते हैं। हमने पढ़ा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एस अपॉन डेल टी होता है। ठीक है, अब डेल एस का मतलब है एक बहुत छोटी वैल्यू, मतलब एस टू माइनस एस वन एक बहुत छोटी वैल्यू, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वैल्यूज। अब ध्यान देना, फिजिक्स में जब भी बहुत छोटी वैल्यू ली जाती है या दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो मैथ्स की डिफ्रेंसीशन से कंपेयर किया जाता है। मतलब मैथ्स में जो डिफ्रेंसीशन होता है वो फिजिक्स में वेरी स्मॉल वैल्यू होता है, और मैथ्स में जो इंटीग्रेशन होता है वो फिजिक्स में बड़ी वैल्यू को लिया जाता है, मतलब कुछ प्लस करना है तो हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक, तो इसको हम ds अपॉन dt भी लिख सकते हैं, मतलब डिफ्रेंसीशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए s माने क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहाँ पर x भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको dx अपॉन dt करना पड़ेगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x की इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू t। अब डिफ्रेंशिएशन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो देखिए। अगर आपकी ऐसी इक्वेशन दे रखी है और आपको निकालना है dy by dx, तो इसको निकालने के लिए ये जो पावर है ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है और उसके बाद पावर एक वैल्यू कम हो जाती है। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। अगर कोई कांस्टेंट है, लेट अस सपोज कांस्टेंट है 2 और आपको dy by dx करना है, तो कोई भी कांस्टेंट को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है तो वो वैल्यू ज़ीरो देता है।
ये दोनों चीज को अप्लाई करिए। यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, 2t हो जाएगा और एक वैल्यू कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर -6, टी की पावर 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा और टी की पावर 1 -1 0 हो जाएगा। 9 जो है ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू 0 दे देगा। तो dx by dt जो कि हमारी वेलोसिटी होती है, यहाँ से हमने देखा तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t माइनस 6, यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया dx by dt। तो हमको क्या बोला गया है कि वेलोसिटी 0 पुट कर दो, भाई पुट कर देते हैं। तो टाइम की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, 6/2 मतलब 3 सेकेंड मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप ये वाली इक्वेशन में x चाहिए हमको, तो t की वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 9, भाई ये क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही आपका आंसर है। होपफुली आपको ये थोड़ा तिकड़म वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो अगर ये अक्सर कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे एक्स के आपको वैल्यू दे रखी है 3t³ + 6, सपोज ये दे रखा है, आपको पूछा है कि वेलोसिटी निकालिए, दूसरे पार्ट में आपको पूछा है एक्सीलरेशन निकालिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, वेलोसिटी मैंने अभी जस्ट बात किया कि dx/dt होता है, मतलब इस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 3 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा और टी की जो पावर है वो एक वैल्यू कम हो जाएगी, कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, 9t², ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि एक्सीलरेशन बताओ, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब एक्सीलरेशन को dv/dt बोल सकते हैं। जैसे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो गया, s2 - s1/t2 - t1, तो उसको dx/dt लिख दिया। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो उसको dv/dt लिखेंगे। मतलब वेलोसिटी जो आपने निकाला है इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, ये 9 तो एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18t, ठीक। ये हमारा चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि अभी इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू फॉर दैट।